फ्री सेमिनार हमारा, हेयर स्टाइल 12 बजे से 1 बजे तक, फायर हेयर कट 1 बजे से 1:30 बजे तक, फोटो सेशन है हमारा 1:30 बजे से 2 बजे तक। वेन्यू हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क गेट नंबर 8, नियर आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, अफ्रीका एवेन्यू, हौज खास, न्यू दिल्ली 110016। डेट है हमारी 26 नवंबर 2017 संडे। तो आप सभी लोग यहाँ पे फ्री सेमिनार के लिए आ सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये है खन्ना स्टेडियम, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं गेट नंबर 8। ये गेट नंबर 8, यहाँ से आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको फ्री पार्किंग मिलेगी। ये फ्री पार्किंग है, आप यहाँ पर फ्री में पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से आप एंटर करेंगे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पार्क, और आप यहाँ पर बिल्कुल ही सीधा सीधा आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आना। और ये हमारा साइन बोर्ड, इसके बिल्कुल ही पीछे आप जो देख रहे हैं ये पार्क में हमारा फ्री सेमिनार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बॉक्स सेक्शन निकालना है। हमने ये बॉक्स सेक्शन निकाला हुआ है, उसके बाद हमने ये साइड से एक सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन देख रहे हैं आप, ये हमने साइड से सेक्शन निकाला हुआ है। हमें इसके अंदर खजूरी चोटी बनानी है। मैंने पूरे बालों के अंदर क्रिम्पिंग कर रखी है ऑल ओवर हेयर में। तो अब हम यहाँ पे खजूरी चोटी बना रहे हैं। तो खजूरी चोटी के लिए हमें क्या करना होता है कि 2 लेयर्स लेनी होती है, और साइड साइड से हमें एक एक लेयर क्रॉस करनी होती है दोनों साइड से। अगर आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो राइट की तरफ डालेंगे, अगर राइट से ले रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ डालेंगे। तो सेम ऐसे खजूरी बनेगी जैसे मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपको खजूरी बनानी है सेम ऐसे ही। एक एक लेयर को क्रॉस करना है। ध्यान रहे लेयर एक जैसी होनी चाहिए। अगर पतली लेयर बना रहे हो तो पतली ही जानी चाहिए, अगर मोटी बना रहे हो तो मोटी जानी चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो हमने इसके अंदर सारा कर दिया, खजूरी चोटी बना लिया है हमने इसके अंदर। बिल्कुल नीचे तक लेके जानी है खजूरी चोटी, और इसको बनाने के बाद हमें बालों का एंड्स पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो लेयर्स होती हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो गई। बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो गई है। सेम ऐसे ही आपको करना है, और इसको एक एक लेयर को पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। इसके करने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ पिन अप कर दीजिए, सेक्शन क्लिप से आप सेव कर लीजिए। फिर हमने जो सेक्शन निकाला है इसका एक लेयर हमने ऊपर की तरफ सेव कर दिया, और नीचे वाले में हमने बैक कॉम्बिंग किया है। इसके अंदर हमें बैक कॉम्बिंग करना है साइड वाली लेयर के अंदर जो हमने नीचे छोड़ा था, और एक लेयर हमने सेव कर दिया है। इसके अंदर हम स्प्रे भी करेंगे, ये हमारा स्प्रे मैजिक स्प्रे, इसको मैं मैजिक स्प्रे कहता हूँ, बट ये सॉसकॉप का टाफ्ट स्प्रे है। मेरे लिए मैजिक का काम करता है। सारे बालों के अंदर हमने अच्छे से बैक कॉम्बिंग कर दिया, और याद रहे मैंने सारे बालों के अंदर ही क्रिम्पिंग भी किया हुआ था।
अब हमने ऊपर जो लेयर सेव कर रखे थे उसको हमने नीचे डाउन कर दिया और इसके साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये जो हमारे जो चोटे हैं उसको ऊपर की तरफ खींच के इसके अंदर पिनअप करेंगे। खींचने के बाद अच्छे से फैलाने के बाद हम इसको पिनअप करेंगे बॉबपिन से। तो बॉबपिन हमें हाथ से खोलनी होती है, मुंह से नहीं खोलनी। मेरी जितनी वीडियोस हैं सबके अंदर मैंने हाथ से खोलने का तरीका बताया कि आप बॉबपिन को हाथ से खोलिए और लेयर को अच्छे से फैलाना है। और जो हमने एक लेयर छोड़ा हुआ था ऊपर, इसको हमने जो डाउन किया था, इसी के अंदर हम पतले पतले राउंड राउंड, इसको हम सेल्स बोलेंगे, सेल्स हमें बनाने हैं। और आपको इंडिविजुअल पिन से सेट करना है, पतली पतली लेयर लेना है। अगर आपको मोटी लेना है तो आप मोटी भी ले सकते हैं। आपको इंडिविजुअल पिन से सेट करना है उनको। राउंड राउंड घुमा के आप इंडिविजुअल पिन से सेट करिए। सेम आगे जितने भी हेयर हैं सबके अंदर हमें सेम यही करना है, सेल्स बनाना है और इंडिविजुअल पिन से इसको सेट करना है। इंडिविजुअल पिंसेस को सेट करना है अच्छे से राउंड राउंड करके। और इसके अंदर हम स्प्रे भी यूज़ करेंगे, हार्ड स्प्रे। सारे पिनअप होने के बाद आप इसके अंदर हार्ड स्प्रे यूज़ कर देंगे। ये सारे सेल्स बना रहा हूँ मैं, जैसे वैसे आपको भी बनाना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कुछ हेयर स्टाइल को लेकर कुछ कहना है या कुछ बताना हो तो, या तो आपको कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे कुछ बताना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911418347 और मेरे कंट्री का कोड है +91। तो आप कंट्री का कोड ला के मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमें सोशल मीडिया साइट पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल प्लस पे, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपल मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश डालेंगे तो आप अच्छे से सर्च कर पाएंगे। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप दिल्ली के हैं तो आप संडे को आ सकते हैं, 26 नवंबर, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं फ्री सेमिनार के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री सेमिनार है, तो अभी हम दिल्ली में कर रहे हैं। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके पास भी आके कर सकता हूँ, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, पंजाब हो, तो आप कहीं भी बुलाएंगे तो मैं आके कर सकता हूँ। मगर मुझे अच्छा सपोर्ट चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं आपके पास आऊँगा। तो आप
लोगों को अच्छे से बताइए, शेयर करिए मेरी वीडियोस, तभी मैं आपके पास आके आपको फ्री सेमिनार दे सकता हूँ। मेरे को फ्री सेमिनार करने में बहुत अच्छा लगता है जब लोग दिल से दुआएं देते हैं। मेरी वीडियोस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और दिल से दुआ देते हैं। उसके अंदर आप दुआएं पढ़ेंगे कि आप, मैं आपको दिल से दुआएं देती हूँ, आपका भला हो। और अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने कमेंट मुझे शेयर करते हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के, उनके रिप्लाई देता हूँ मैं। मुझे हेल्प करना सच में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को ये जरिया मिला यूट्यूब, जिससे मैं आप सभी की हेल्प करता हूँ, और जो मेरे पास है मैं आपको सभी को शेयर करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करिए। तो देख रहे हैं कि हमने सारे रोल रोल करके इसको, जो हम इसको सेल्स कहते हैं, इसको रोल रोल करके हमने अच्छे से इंडिविजुअल पिन से अच्छे से सेट कर दिया है। तो आप भी इसको अच्छे से सेट करेंगे इंडिविजुअल पिन से, और उसके बाद आप हार्ड स्प्रे यूज़ करेंगे। और सेल्स बनाने के लिए पतली पतली लेयर ही लेना है। अगर आप मोटी लेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर तो भी बन जाएगा। मगर मोटी ले रहे हैं तो आप कर्ल्स करके यूज़ कर सकते हैं। आप कर्ल्स करके फिर आप सेल्स बनाएंगे तो अच्छे से टिक जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल पिन जो होती है वो पतली लेयर के लिए ठीक होती हैं। अगर आप मोटी लेयर में अगर बनाने जा रहे हैं सेल्स, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाती। इंडिविजुअल पिन बहुत ही लाइट होती है, बिल्कुल ही फाइन होती है, इसलिए। तो सारे हमने सेल्स बना दिए, और हमने इसके अंदर अच्छे से हार्ड स्प्रे यूज कर दिया है। और ये जो जो फोटोज़ मेरे पास भेजी गई थी, इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है, बट मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है, मैं इसके रियल बालों पे ही ये बना रहा हूँ। और मैंने ये बैक में, हमने इसके अंदर ये सेक्शन लिया हुआ है, और साइड में हमने क्रॉस पिन लगाई हुई है दोनों साइड, और पोनी बनाया हुआ, लो पोनी। और जो स्टफिंग है हमने ऊपर की तरफ रोल किया, और इसको जो क्रॉस बनाया हुआ था उसके अंदर हमें इसको अटैच करना है जुड़े पिन के साथ। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेहिचक आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो हमने पीछे ये स्टफिंग लगा के लो बन बनाया है, उसके बाद हमने ऊपर एक और ये एक ऐसा सेक्शन निकाला है। और इसके अंदर से टू पार्ट कर दिया हमने ऊपर वाले सेक्शन में। और इसके अंदर अब हम बनाएंगे खजूरी चोटी। दोस्तों अगर इसके अंदर कुछ समझ ना आए तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ये शूट मैंने अकेले ही किया हुआ है, तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कैमरे में देखूं या फिर हेयर स्टाइल बनाऊं। तो मैंने एक जगह कैमरे को फोकस करके छोड़ दिया, और मैं हेयर स्टाइल बनाने में बिज़ी हो गया। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ईज़िली आपको समझ आएगा। तो मैं साइड में जो है कि खजूरी चोटी बना रहा हूँ।
ये साइड में खजूरी खजूरी चोटी बना रहा हूँ। आपको खजूरी चोटी बनानी है। खजूरी चोटी बनाने के लिए टू पार्ट करना होता है और जो लेयर्स होते हैं उनको क्रॉस करना होता है। अगर राइट राइट से अगर लेयर उठाए तो आपको लेफ्ट में डालना है, अगर लेफ्ट से लेयर उठाइए तो आपको राइट में डालना है। तो आपकी खजूरी चोटी पूरी बन जाएगी ऐसे। तो आपको पूरे बिल्कुल जितनी लेंथ है वहाँ तक आपको लेके आना है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से करने के बाद उसको अलग छोड़ दिया। फिर हमने दूसरा एक और सेक्शन लिया जो हमने छोड़ा हुआ था। अब इसके अंदर भी सेम खजूरी बनाएंगे। ये बहुत ही प्यारा बन है, पूरा खजूरी से बना हुआ है। तो इसके अंदर पूरे बालों के अंदर मैंने क्रिम्पिंग किया हुआ था, मैंने पहले भी बताया है तो आपको याद रहे। क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करनी है। क्रिम्पिंग ऐसी होती है जैसे प्रेसिंग मशीन होती है, प्लेट प्लेट के अंदर जिगजैग होता है। बट अगर आपने क्रिम्पिंग मशीन नहीं देखी है तो प्लेट जो होती है वो जिगजैग होती है। तो इसके अंदर हम खजूरी बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है ये, खजूरी हेयर स्टाइल। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही बता सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो ये हमने दोनों सेक्शन के अंदर हमने खजूरी बना लिया है और इसको ऊपर पिनअप कर दिया। अब नीचे वाले सेक्शन के अंदर भी हमें खजूरी बनानी है। इसके अंदर हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अभी मैं साइड में बनाऊंगा। तो हमने साइड से खजूरी सेक्शन लिया और इसको बनाना चालू कर दिया। हमने टू पार्ट लेने के बाद लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में लेयर्स लेना चालू कर लिया है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको फ्री सेमिनार चाहिए और आप दूसरी सिटी में बैठे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए ताकि मैं आपके पास आऊं और फ्री सेमिनार दूं। मुझे जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी मैं आप सभी के पास आऊंगा, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली का इंडिया का कोई भी कोना, मैं ज़रूर आऊंगा वहाँ पर। मगर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी मुझे हेल्प होगी आप सभी के पास आने के लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी से कनेक्ट होना। और जितने भी मेरे सेमिनार होंगे दोस्तों वो सारे ही फ्री होंगे। जब भी मैं आऊँगा, कहीं भी आऊँगा और कहीं भी मैं सेमिनार दे रहा हूँगा तो वो मेरे सेमिनार बिल्कुल फ्री होंगे। आप आके फ्री में सेमिनार देख सकते हैं। मैं कोई पेड सेमिनार नहीं करता जिसके अंदर आपको पेमेंट देनी हो। मेरा बिल्कुल ही फ्री सेमिनार होता है। अभी 26 को दिल्ली में सेमिनार है तो आप वहाँ पर आके सेमिनार अटेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को कि अब आगे आपके जैसे लोग, आपके जैसे दोस्त यार, उन लोगों को हेल्प मिले हेयर स्टाइल बनाने में जो कि बिल्कुल ही डरते हैं हेयर स्टाइल बनाने में, जिनको समझ नहीं आता कि हमें हेयर स्टाइल में करना क्या है। तो मेरी जितनी भी वीडियोस होंगे उसके अंदर सब
सारे जितनी टेक्निक्स होंगे सबसे ज़्यादा अलग अलग होंगी टेक्निक्स। मैं अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और सभी को बता रहा हूँ कि ये भी टेक्निक होती है, ये भी टेक्निक होती है। और आगे मेरी जो वीडियोस आएंगी वो फेस शेप के ऊपर आएंगी और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे कि आपको प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने होते हैं हेयर स्टाइल के अंदर और कब कब यूज़ करने होते हैं और कौन से फेस शेप के ऊपर आपको कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, तो वो भी मेरी वीडियो आएगी। तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन जो दिखाई देगा आपको बेल के आइकन को दबाना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिला करेंगी, आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको सबसे पहले पता चल जाया करेगा कि मैंने आपके पास कोई वीडियो डाली है। तो दोस्तों मेरे को बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए हेयर स्टाइल सिखाने के लिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, बस सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करिए हमारे चैनल से। मेरे YouTube चैनल पे जितने भी हेयर स्टाइल होंगे सबसे यूनिक होंगे हेयर स्टाइल, सबसे अलग होंगे, सारे टेक्निक्स होंगे इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप आएंगे सारे हेयर स्टाइल। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर मैंने कुछ मिस किया है। मैं सारा ये स्टेप बाय स्टेप और समझाता भी हूँ इसके अंदर हेयर स्टाइल के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं हेयर स्टाइल के बारे में कि आपको कहाँ कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी। मैं दिल से सिखाना चाहता हूँ आप सभी को, आप सीखिए, ज़रूर सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इजीली सीख जाएंगे, जितना स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको समझाता हूँ बताता हूँ तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो हमें बस खजूरी ही चोटी बनानी है पूरे हेयर्स के अंदर, जितने भी सेक्शन जैसे जैसे मैंने निकाले हैं सेम वैसे ही आपको भी सेक्शन निकालने हैं और खजूरी चोटी बनानी है। मगर इसके अंदर मैंने क्रिम्पिंग यूज़ किया था, क्रिम्पिंग मशीन, तो आपको भी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको भी क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करनी है। तो जितने भी मेरे हेयर स्टाइल होते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, पूरा ट्यूटोरियल होता है, आप उसके अंदर अच्छे से सीख सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने कितनी ही बार अपनी वीडियो में आप सभी से बोला है अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और मेरे पास डेली नहीं तो कम से कम 200 व्हाट्सएप नंबर आते ही आते हैं और मुझसे कुछ ना कुछ जो भी चीज़ पूछते हैं मैं सभी का सॉल्यूशन करता हूँ। और हेयर स्टाइल की फ़ोटो मेरे पास भेजते हैं कि आप मेरे पास ये वाला हेयर स्टाइल बना के डाल दीजिए, और मेरे पास बस एक टाइम की प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और संडे मेरे पास छुट्टी होती है, इसी वजह से टाइम नहीं मिलता। तो दोस्तों जो ये चोटी है तो चोटी के अंदर हमने क्या किया है कि जो लास्ट में जो कुछ बाल रह जाते हैं तो उसको पकड़ कर हमने ऊपर की तरफ खींचा है जिससे ये लेयर विजिबल हो जाती है और वॉल्यूम आ जाता है। तो हमने जो चोटी होती है उसके कुछ बालों को पकड़ के और ऊपर की तरफ इसको खींचना है, देखो
सेम वैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही करेंगे तो आप ये हेयर स्टाइल को इजीली बना पाएंगे। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ सेम वैसे ही आपको बनाना है अगर ये हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं तो। लेयर्स को खींचनी है जो बिल्कुल लास्ट की लेयर होती है कुछ बाल पकड़कर। आपको ऊपर की तरफ खींचनी है। खींचने के बाद मैंने दोनों लेयर्स को ऊपर की तरफ पिनअप कर दिया। सबसे पहले नीचे काम कर रहे हैं तो अब हमने लास्ट वाली लेयर को पकड़ कर हमने ऊपर की तरफ खींचा और इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज भी कर दिया हमने। तो हमने सारे बालों को अच्छे से पकड़ के खींचा है। जो नीचे के बाल थे उसके अंदर कुछ ही बाल पकड़ने हैं आपको और उसको ऊपर की तरफ खींचना है। मैंने जितना भी खजूरी का अभी इसके अंदर बनाया हुआ है सब के अंदर सेम वैसे ही करना है। जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम वही टेक्निक यूज़ करना है। नीचे के बालों को हल्के से जो होते हैं बाल उसके अंदर से कुछ बाल पकड़ कर आपको ऊपर की तरफ खींचना है जिससे कि ये लेयर विजिबल हो जाए। और आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आप सभी को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल। कमेंट करके बताइए आप सभी को कैसा लगा हेयर स्टाइल। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा ये हेयर स्टाइल भी। जिस तरीके से आपने अभी तक मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। लाइक करिए। और इन सभी को पिनअप करना है खजूरी चोटी को जो हमारा नीचे लो बन था उसके ऊपर हम पिनअप कर रहे हैं। तो मैं जूड़े पिन से कर रहा हूँ तो आप भी जूड़े पिन से कर सकते हैं। जूड़ा पिन आप बड़ा वाला यूज करेंगे तो नहीं निकलेगा। आपको अच्छे से सेट करना है जूड़े पिन से बड़ा वाला जूड़े पिन से। अब ऊपर वाले लेयर को भी हमने ऊपर की तरफ खींच के इसको भी हमें पिनअप करना है। इसको भी हमने जूड़े पिन से पिनअप कर दिया। अच्छे से सेट करना है।
दूसरी वाली लेयर को भी सेम ऊपर की तरफ खींच के इसको भी हमें जुड़े पिन से सेट करना है। और जो थोड़े से बाल बच जाते हैं वो लेयर जो हम खींचते हैं उसको अंदर ही की तरफ आप डाल के आप पिन अप कर देंगे, सेट कर देंगे अच्छे से ताकि वो दिखे नहीं। अब दोस्तों आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट बॉक्स के जरिए भी। और आप सभी को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बता सकते हैं उसके अंदर कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा फिर उसको भी दबाइए। हमने सेंटर पार्ट करके इसके अंदर हमने मांग टीका सेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से कॉम किया। अच्छे से कॉम करने के बाद इसको हम पिनअप कर देंगे। आपको फ्रंट में जितना वॉल्यूम चाहिए आप उतना वॉल्यूम दे सकते हैं फ्रंट में। और हमने सारे ही पिनअप कर दिया है पीछे हेयर को जो बच गए थे। और आगे से हमने जो लेयर छोड़ी थी उसके अंदर हल्का सा कर्ल किया हुआ है आप देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हेयर स्टाइल हो गया। इसके अंदर हमने एक एक्सेसरीज लगा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए मुझे। वीडियो के नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, आप लाइक करिए। उसके बाद सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में है तो सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाइए। और नीचे जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप शेयर करिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। शेयर के ऑप्शन में जाके आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और आप फेसबुक पे आप मुझे मेरे मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल जो हमारा यूट्यूब का चैनल है आप सर्च करेंगे तो मेरा पेज निकल के आ जाएगा। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक करिए। और इंस्टाग्राम पे भी सेम आप मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल डालेंगे तो आप को हमारा पेज निकल के आ जाएगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं।